हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2021 का जो है एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। दो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द ट्रांसलेशन वेक्टर सब स्पेस लैटिस आर ए इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू वाई, बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू वाई एंड सी इज इक्वल टू जेड। द वॉल्यूम ऑफ द सेल वुड बी टू बाई रूट थ्री, सेकेंड ऑप्शन है रूट थ्री बाई टू, थर्ड ऑप्शन है टू इंटू रूट थ्री, फोर्थ ऑप्शन है थ्री इंटू रूट टू। तो वॉल्यूम ऑफ द सेल क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। ए वैक्टर आपको गिवन है एक्स बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू वाई, बी वैक्टर गिवन है माइनस एक्स बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू वाई एंड सी वैक्टर क्या है, जेड है। यू नीड टू कैलकुलेट बी क्रॉस सी। बी की वैल्यू है माइनस एक्स बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू वाई क्रॉस जेड। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, क्या बना आपके पास, यहाँ से बना, इसका क्रॉस लेंगे तो माइनस वन बाई टू एक्स क्रॉस जेड जो कि क्या होता है माइनस वाई, प्लस रूट थ्री बाई टू वाई क्रॉस जेड। माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू वाई क्रॉस जेड क्या है, एक्स है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट ए डॉट बी क्रॉस सी। ए वैक्टर क्या है आपके पास, एक्स बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू वाई डॉट वाई बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू एक्स। यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए, यहाँ से क्या हो रहा है एक्स डॉट वाई का जीरो, एक्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट थ्री बाई फोर और एक्स डॉट एक्स आपका क्या आएगा वन, प्लस इसी तरह से रूट थ्री बाई फोर वाई डॉट वाई क्या आएगा वन, बाकी क्या रहेंगे जीरो। सो रूट थ्री बाई फोर प्लस रूट थ्री बाई फोर ट्वाइस ऑफ रूट थ्री बाई फोर क्या आंसर आ गया, रूट थ्री बाई टू। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अनसर्टेनिटी इन लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू डी ब्रोगलिक वेवलेंथ, देन अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज, वी है वी बाई टू है, टू वी है, थ्री वी बाई टू है। वी नो दैट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन पोजिशन एंड मोमेंटम इज गिवन बाय डेल्टा एक्स, आपके पास क्या होती है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी क्या होती है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, नियरली इक्वल टू आपके पास क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो हम एच ले लेते हैं, अदरवाइज एच क्रॉस होता है। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी क्या होता है एम वी होता है, तो एम इंटू डेल्टा वी नियरली इक्वल टू एच। फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास, जो लोकेशन पार्टिकल की मिलने की लोकेशन है उसकी अनसर्टेनिटी क्या है डी ब्रोगलिक वेवलेंथ के अंदर इक्वल है। यहाँ से आपको क्या गिवन है डेल्टा एक्स के अंदर क्या है लैम्डा गिवन है। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको सब्सटीट्यूट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, लैम्डा इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच। यहाँ से आपके पास क्या आएगा डेल्टा वी एच बाई एम लैम्डा आ गया, ये क्या है डेल्टा वी। वी नो दैट डी ब्रोगलिक वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एक्चुअली डी ब्रोगलिक वेवलेंथ क्या है, डी ब्रोगलिक का कंसेप्ट क्या है, जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उस वेव की वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। यहाँ से थर्ड इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या मिला डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई एम और लैम्डा डिनोमिनेटर में है एच बाई एम वी, एच से एच कैंसिल आउट एम से एम, सो डेल्टा वी आपके पास क्या आ गया वी आ गया, ऐसा ऑप्शन में है, यस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम Li2 पॉजिटिव आयन इज, फर्स्ट ऑप्शन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 13.6 इंटू जेड स्केयर बाई एन स्केयर। यहाँ पे लिथियम आयन जो है गिवन है, लिथियम का एटोमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, जेड आपके पास हो गया 3 और कोई भी जो है लेवल मेंशन नहीं है, तो एन आप क्या करो कोई कंसिडर 1। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ 13.6, जेड की जगह आप 3 सब्सटीट्यूट कीजिए, 3 स्केयर बाई 1 स्केयर दैट इज इक्वल टू 13.6 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 122.4 और ये आयनाइजेशन पोटेंशियल इस फॉर्मूले से किस में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कोहेरेंस लेंथ गिवन है फॉर ए लेजर बीम ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आपके पास है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 3000 हर्ट्ज वुड बी, फर्स्ट ऑप्शन है 1 किलोमीटर, सेकंड है 10 मीटर, थर्ड 100 किलोमीटर, फोर्थ है 10 किलोमीटर। आपके पास जो है बैंडविड्थ क्या गिवन है, कोई लाइन है स्पेक्ट्रल है तो उसके अंदर जो है वो परफेक्टली सिंगल लाइन ही है, कुछ ना कुछ बैंडविड्थ भी है। तो ये लेज़र का क्वेश्चन है, ये है लाइक्स और किसी कन्वेंशनल सोर्स से तो बैंडविड्थ काफ़ी होती है, लाइक ये वाली बैंडविड्थ है, और लेकिन अब लेज़र की होती है वो शार्प लाइन होती है, ये बैंडविड्थ जो आ रही है शार्प नहीं होकर थोड़ी सी जो है बैंडविड्थ है, इसको आप क्या बोलते हो मोनोक्रोमेटिसिटी बोलते हो।
तो डेल्टा न्यू मोनोक्रोमेट्रिसिटी बेसिकली तो जो क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर जो है बैंड विड्थ भी होती है। ये लेज़र की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेस। डेल्टा न्यू गिवन था, आपको निकालनी थी कोहेरेंस लेंथ, यानी कौन सी पर्टिकुलर लेंथ है जिसमें आपके पास अगर दो वेव्स के बीच में जो है फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, डेफिनेट फेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। लाइक मेरे पास ए बी पॉइंट्स थे और इसकी लेंथ एल थी, तो ये एल हमें कैलकुलेट करनी है। एल क्या होती है, सी इंटू टाउ सी, वेयर एल इज इक्वल टू कोहेरेंस लेंथ एंड टाउ सी इज इक्वल टू कोहेरेंस टाइम। सी आपको पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, एल इज इक्वल टू 3×10⁸ इंटू टाउ सी। यू नो वेरी वेल रिलेशन बिटवीन टाउ सी एंड बैंड विड्थ। टाउ सी क्या होता है, 1/Δν। डेल्टा न्यू क्या है, बैंड विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। तो टाउ सी क्या बन गया, 1/3000 हर्ट्स आपको गिवन था, 3000। ये थर्ड इक्वेशन है, यहाँ से आप एल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए सेकेंड इक्वेशन से, 3×10⁸। टाउ सी क्या है, 1/3000। यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 10⁸ पावर थी, डिनोमिनेटर में 10⁴ है, इट कम्स आउट टू बी 10⁵। और यू कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ 100×10�³, दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई इज नोन एज। न्यूक्लियर फिशन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, चेन रिएक्शन होगा या अल्फा डीके होगा। यानी आपके पास हैवी न्यूक्लियस है जिसका एटोमिक मास क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी क्या हो गई एटोमिक मास आपके पास, लाइक ये है एक्स ए जेड है। ये आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व से भी देखा होगा, जिसके पास जो है हैवी न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, यानी थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करोगे और आप वहाँ से न्यूक्लियन को निकाल सकते हो। न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, सो वो लेस स्टेबल हैं। तो अगर ये स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है तो क्या हो जाएगा, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएगा, तो लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, उनके एटॉमिक मास जो है कम है। तो ये प्रोसेस आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे होता कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, तो आपके पास कौन सी प्रोसेस हो जाती, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। ओके, ये मेरा जो है MDU के एग्जाम का थर्ड लेक्चर है, इसी तरह से मैं कंटिन्यू लेक्चर डालती रहूँगी। आजकल जो है आप सबकी काफ़ी डिमांड थी, अभी एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। ओके, थैंक यू ऑल।